easy go. हेलो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ फेरोनिक्स। मैं लौट गया अपने एक और नए वीडियो में। तो आप लोगों को शायद आप लोग बहुत समय सोचते होंगे, यार मेरा डिवाइस लो है, यार मेरा गेम प्ले बहुत टट्टी जैसा है। टट्टी नहीं यार, अच्छा है, लेकिन यार लोग अप्रिशिएट नहीं करते। क्या करूँ मैं, अपना गेम प्ले कैसे सुधारूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, आप एकदम सही जगह आए हो। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी पता चले यार क्या कुछ चल रहा है इधर, लो एंड डिवाइस में कैसे अच्छा खेले। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए देखो आप लोग मैं क्या क्या बोलता हूँ, और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, बाद में मेरे को बोलोगे यार तूने क्या सिखाया यार, मैं तो फिर भी वैसे ही खेल रहा हूँ। तो पहले जब मैं गेम्स खेलता था, ठीक है, तब मैं ना बहुत नूबड़ों जैसे खेलता था, ठीक है। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे यार क्या नूबड़ा बंदा है भाई तू, आजा आजा वन वर्सेस वन कर ले, आजा आजा, अबे फेरोनिक्स नूबड़ा है, इसको निकाल बे, किक कर इसको, ये साला खेलना नहीं आता, इसको निकल साले निकल। तो फिर मैं वही क्या करता, ट्रेनिंग में जाता था, एक दो घंटे प्रैक्टिस करता था। अभी भी मैं दिन का एक दो घंटा अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ अपना गेम प्ले इम्प्रूव करने का, अपना मूवमेंट्स भी इम्प्रूव करने का। आप लोगों ने शायद मेरा अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना चैनल पे, मैं टूर्नामेंट हाईलाइट दिया था। तो मैं इधर उधर का टूर्नामेंट खेलता रहता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, यार मेरे को फालतू में गेम नहीं खेलना यार, कुछ तो करना है अपन को, कुछ तो करके दिखाना है। अपने फैमिली के लोग सारे मेरे को डांटते यार तू सारा पूरा दिन बस गेम ही खेलता रहता है, कुछ तो करके दिखाना है मेरे को। इसलिए मैं सिर्फ ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करता हूँ, इधर उधर का टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, एक दो शायद मैं जीता भी हूँ टूर्नामेंट, ठीक है। मतलब जो जो टूर्नामेंट में जीता उसमें कोई प्राइज पूल नहीं था, ठीक है। तो ऐसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कस्टम खेलता हूँ, ठीक है। मैं क्लैश स्क्वाड खेलता हूँ, ये सिर्फ औकात दिखाने के लिए नहीं, बस अपना मूवमेंट स्पीड फास्ट करने के लिए। तो मैं तो यही है, आपको ट्रेनिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाहे पहले पहले ना मार सको, लेकिन आपको एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक आध घंटे ट्रेनिंग में, ताकि आपका मूवमेंट स्पीड भी सही हो जाए, आपका गेम प्ले भी सही हो जाए, आप समझो कि एनिमी आप किधर जाएगा आप किधर जाएगा, इसको थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ आपको सामने गए गोली मारा तो नहीं हो जाएगा, आपको थोड़ा समझ के भी खेलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इधर, कब एनिमी रश करेगा हमारे ऊपर, कब क्या करेगा। तो इतना ज़्यादा लगभग ना करके हम लोग हमारे टिप्स के ऊपर जाते हैं। तो मेरा पहला टिप जो है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप दिन में जितना भी घंटे खेलते हो ना उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर आपको ट्रेनिंग में थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या आप लोगों को इतना सोच आएगा कि ट्रेनिंग में बहुत सारे बंदे एक साथ खेलते हैं, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि चारों तरफ से आपके ऊपर जब गोलियाँ चलेंगी तो आप तब क्या मूवमेंट यूज़ करेंगे, किधर जाएंगे आप, किसको मारेंगे, किस जगह से जाके आप मारेंगे, ये सब आपको नॉलेज हो जाएगा। और दो नंबर टिप है, तो हाँ पेशेंस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो आपका गेम प्ले ख़राब हो सकता है। तो हमारा थर्ड नंबर जो टॉप जो है पॉइंट वो है, तो अगर आपके स्क्वाड में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका स्क्वाड कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकता, आपका आप कोई टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो हाँ यही था हमारा पॉइंट। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से उसको ध्यान से हाँ तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना यार, भाई को सपोर्ट करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो।